फिर 13 नवंबर को हरिपुर बाईपास के पास शांति ढाबे के नजदीक विक्रमादित्य के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया गया। उस समय जब वे रात को वहां से गुजर रहे थे, अचानक आरोपियों ने उनकी गाड़ी को रोका और कांच फोड़कर उनके गले से सोने की चेन उतार ली, जिसके बाद पास में रखे 18,000 रुपए भी लूट लिए। इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शहर CSP नेहा पचीसिया को कमान सौंपी, जिस पर कार्रवाई करते हुए कैंट थाना प्रभारी ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बाकी आरोपियों के नाम भी पुलिस के पास मिल चुके हैं, जिन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तार किया गया आरोपी चाचोड़ा का रहने वाला बताया जा रहा है। समस्या पर है कि आखिर शांति ढाबे के पास ही अधिकतर घटनाएं क्यों होती हैं? इससे पहले भी वहां कई वारदातें हो चुकी हैं, जिसमें एक ट्रक ड्राइवर के साथ मारपीट और लूट की घटना भी शामिल थे। ये दिनांक 13 नवंबर की बात है 2020। उस समय ये फरियादी विक्रमादित्य, जो चाचोड़ा के रहने वाले हैं, ये शांति ढाबे के पास से निकल के अपने गाँव पुना जा रहे थे। तभी कुछ बदमाशों के द्वारा इनकी कार को रोका गया और रोक के गाड़ी उस पे कांच पे डंडा मारा, और जिससे कि गाड़ी का कांच फूट गया और आरोपी के साथ लूटपाट की गई। गेट खोलकर उसमें से सोने की चेन जो वो पहने हुए थे उसको, और 18,000 कैश जो फरियादी के पास था, वो आरोपियों द्वारा लूटपाट करके अज्ञात में हमारे पास कायमी हुई। तो माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में टीम गठन की गई और उक्त टीम में मुझे भी निर्देशन दिया गया, और सभी थाना प्रभारी से लेके सभी पुलिस अमला उसमें जुटा रहा। तत्पश्चात राजेश वर्मा जो है कैंट TI को इसमें सफलता प्राप्त हुई, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी के अन्य जो आरोपी हैं वो भी आइडेंटिफाई हो गए हैं, सबके नाम पते हमको मिल रहे हैं। जल्द से जल्द सभी आरोपियों की गिरफ्तारी